आपका इस वीडियो में हो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 डेज स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2019 के बारे में। तो इस वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। जिससे पहले कि इस वीडियो को मैं शुरुआत करूं, थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में। आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी पर मैं फरवरी 2017 से पढ़ा रहा हूं। मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर किया हुआ है। आई हैव बीन ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मैंने एसएससी सीजीएल 2015 भी क्लियर किया हुआ है। एंड आई एम अ फॉर्मर फैकल्टी एट माई पाठशाला। तो ये तो थी मेरे बारे में जानकारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 दिन की स्ट्रेटजी जो आपको एसएससी सीजीएल 2019 के लिए फॉलो करनी है। कैसे तैयारी करना है, क्या कुछ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है, इन सभी बारे में हम बात करेंगे। रिवीजन कैसे करना है और कब रिवीजन करना है, पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो को बात करेंगे। तो अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, आखिरी तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है वो बात की बात है, लेकिन आप लोग वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखिएगा। वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बीच में छोड़कर जाएंगे तो वीडियो का कोई सेंस नहीं बनेगा। आपने क्या सीखा, कुछ सीख नहीं पाएंगे जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपके वीडियो को शुरुआत करूं, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मुझसे पढ़ना चाहते हो, जहां पर ये सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप इन सभी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। AMANT ये मेरा रेफरल कोड है, जिसको आप इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है 5400 रुपीज में, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 में मिलेगा। एक बारी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको सारे बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, डाउट सेशन मिल जाएंगे, वीकली मंथली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें नोट्स भी देख सकते हैं। जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं उन सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो है आपका प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू MCQs, जो कि 13 जनवरी से शुरू होगा 8:30 बजे से। ये 2 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें 7 बजे से 8 बजे तक मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर एसएससी सीजीएल 2019 की बात करता हूं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042 पे। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर aman.ssc.mentor@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें बात कर रहे हैं हम स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात करें कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो देखो, उसके लिए मेरा यही कहना होगा कि आप डू नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग फ्रॉम मी। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। स्पून फीडिंग की इच्छा मुझसे मत करो, क्योंकि देखो यार, अगर मैं आपको ये बताऊं कि बेटा 6 बजे उठना, फिर 7 बजे पढ़ने लगना, ये करना वो करना, तो क्या वो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, क्या वो चीज़ें प्रायोगिक हैं? वो नहीं है, क्योंकि आपसे मैं जिस समय कहूँगा आप उस समय नहीं पढ़ सकते हो। आपको जिस समय फुर्सत होगी आप उस समय उठोगे, जिस समय आपका कंफर्ट जोन, आपकी चीज़ें अलग है ना, मैं मेरे हिसाब से आप काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप अपना स्टडी शेड्यूल खुद बनाइए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी बातों के जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन कितने बजे पढ़ना है वो आप डिसाइड करो। क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डे टाइम में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, जैसे मेरी तरह। तो कुछ लोग रात में पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, वो आपका अपना ओपिनियन होता है कि आपको किस समय पढ़ना है। जैसे मैं रात में पढ़ता था, आप भी रात में पढ़ो, आपको सही लगता है रात में पढ़ना आप रात में पढ़ो, आपको ठीक लगता है दिन में पढ़ना आप दिन में पढ़ो, दोनों में से किसी भी एक समय पर पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सबसे जरूरी काम है। ये जरूरी नहीं है कि आपको कितने बजे पढ़ना है, टाइम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप पढ़ाई कीजिए। बात समझ में आई? तो अगर आप नाइट रात में पढ़ते हैं तो रात में पढ़िए, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़िए, वो आप बनाइए कि शेड्यूल कैसे करना है आपको, ठीक, लेकिन पढ़िए। और चूंकि अब आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं, तो आप सिर्फ याद रखिए कि भाई 50 दिन है, आपको सिर्फ 50 दिन तक जी तोड़ के मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है 50 दिन तक। 50 डेज है, और यार इतना टारगेट बनाओ कि इन 50 दिनों में कम से कम 8 से 10 घंटे की आपने टारगेट बनाना चाहिए। 50 दिनों को अगर तुम 10 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सिर्फ 500 घंटे बनते हैं, एंड 500 आवर्स आपके पास समय कम है। तो थोड़ा सा पैनिक करो, थोड़ा सा आपको एंजाइटी होगा अगर मैं इस तरीके की बात करूंगा, लेकिन थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी एंजाइटी सही होती है, उससे आपको थोड़ा सा डर लगेगा, और डर लगेगा तो आप
और मेहनत करोगे तो वो चीज ठीक है। बहुत ज्यादा डरिए भी नहीं, बहुत ज्यादा एंजाइटी भी मत ले लीजिए। पता चला एकदम से सोच में पड़ गए कि सिर्फ इतने ही दिन बच रहे हैं, हैराम अब क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। एक बार आप शुरू करोगे तो सारा काम होगा, शुरू ही नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मन लगा के आपको लगना है 50 दिनों तक खूब मन लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि सिर्फ 50 दिन है और अब आपके पास समय नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो मैं घूम सकता हूँ, शादी अटेंड कर सकता हूँ, वहां की ट्रिप कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, अब समय नहीं है, सिर्फ 50 दिन आपके पास बचते हैं। आप में से जो लोग वर्किंग एस्पायरेंट वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो को एंड तक देखें। एंड में मैं आप वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए भी आपको सलाह दूंगा कि वर्किंग एस्पायरेंट किस तरीके से तैयारी को कर सकता है और अगर अब वो इस समय पर आ गया तो वो कैसे तैयारी करेगा, ठीक है। उन सारी भी बातों का भी जवाब मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात करें कि आपका दिन का प्लान क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहली काम यह है कि आप जब दिन में रात में सोने जाइए, बिफोर गोइंग टू स्लीप, आपका काम यह होना चाहिए कि आप अपने वोकैब के नोट्स को अपने सर के पास रखिए। वोकैब नोट्स, पुट योर वोकैब नोट्स बिलो योर पिलो। आपकी तकिए के नीचे आपके वोकैब नोट्स होने चाहिए, ठीक। चूंकि वोकैब नोट्स या फिर आप जैसे वोकैब नोट से पढ़ रहे हो, आप वोकैब नोट से पढ़ लो, आप एसपी बख्शी से वोकैब याद कर रहे हो आप उससे कर लो, आप ब्लैक बुक से याद कर रहे हो वो कर लो, नीतू सिंह कर रहे हो वो कर लो, या मेरे नोट से करते हो वो कर लो, जो आपको ठीक लगता हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वोकैब नोट्स ही होने चिपकते, सर मेरे पास वो नोट्स ही नहीं है मैं क्या करूं। तो ये एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, ठीक है, बहाने मत ढूंढो, क्योंकि किसी भी काम को नहीं करने के 100 रीजन है और करने के लिए एक रीजन काफी है। तो अगर वोकैब याद करना है तो कर लोगे, नहीं करना है तो आप ढूंढते रहो कि एसपी बख्शी से करें, नीतू सिंह से करें, ब्लैक बुक से करें। बेटा जो आपने अभी तक कंटिन्यू करा है उसी को कंटिन्यू करिए, एमबी से कर रहे हैं तो एमबी से करिए। तो सबसे पहला काम वोकैब याद करिए, दिन में एंटोनिम्स याद करिए, सिनोनिम्स याद करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, इडियम फ्रेजेस याद करिए। और जब सुबह दिन की शुरुआत करिए तो शुरुआत आप वोकैबुलरी से करिए, और जब दिन को एंड करिए तो एंड भी वोकैबुलरी से ही करिए। जब दिन आपका खत्म होने वाला है तब फिर से इसी वोकैब का रिवीजन करिए, ठीक है। इस तरीके से आप वोकैब का रिवीजन करते चलिए, और जब संडे आए तो वीक में जितना वोकैब पढ़े थे मंडे टू सैटरडे उसको फिर से संडे को रिवाइज करिए। इस तरीके से नेक्स्ट संडे को पिछली पूरी वोकैब रिवाइज करिए। हो सकता है समय थोड़ा अधिक लगे, लेकिन चूंकि अब एग्जाम आपका एकदम करीब आ गया है तो अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप थोड़ा सा इसे डिले कर पाए या कल कर लेंगे, नहीं, अब पूरे वोकैब को अच्छे से करना है, क्योंकि वोकैब आपका एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स का आएगा। करीब 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 2 से 3 इससे आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 आ जाता है, और 2 से 3 इससे आ जाता है। तो करीब करीब 10-20 नंबर का आपका ये पेपर इससे आ जाता है, तो इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसलिए इस सेक्शन को सीरियसली लीजिए और सुबह उठ के सबसे पहला काम वोकैब रिवीजन आप कीजिए। जब आपने दिन का वोकैब रिवीजन कर लिया तो अगला काम आपका होना चाहिए जीएस का रिवीजन का। जीएस के रिवीजन को देखो आप क्या करिए, 2 भागों में बांटिए, पहला करंट अफेयर्स है, दूसरा स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को आप कोई भी एक ऑनलाइन सोर्स पकड़िए, अनअकैडमी प्लस से पढ़ते हैं तो अनअकैडमी प्लस, या फिर कोई और सोर्स है तो आप वहां से पढ़िए। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेजर इवेंट्स जनवरी के भी आप पढ़ लीजिएगा, मेजर इवेंट्स मतलब बहुत बड़े बड़े इवेंट है, कोई कि विंबलडन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वो एक अलग चीज है, इलेक्शन हुआ है वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आप छोटे इवेंट्स की बात करो, अगर आप नॉर्मल एक माइनर, अगर आप माइक्रो लेवल के करंट अफेयर्स की बात करोगे तो वो फिर आपको सितंबर 2019 से फरवरी 2019 तक का ही तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स हमेशा लास्ट 6 मंथ्स का पूछा जाता है, उससे ज्यादा का नहीं पूछा जाता। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके पकड़ना है। स्टैटिक जीके कैसे उठाएंगे, स्टैटिक जीके के लिए आप लोग लूसेंट उठाइए और लूसेंट के साथ साथ एमसीक्यूज करिए। लूसेंट कैसे करना है, लूसेंट देखिए आपको मंडे टू फ्राइडे आपको लूसेंट पढ़ना है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप थियरी पोर्शन करिएगा, और सैटरडे संडे या फिर आप मंडे टू थर्सडे इसको कर लिए, ये फ्राइडे टू संडे आप जो है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करिए। अब अगर आप पूछेंगे कि सर लूसेंट नहीं मेरे पास नोट्स हैं, तो इससे अच्छी बात आपके लिए कोई नहीं है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो बिल्कुल नोट्स से तैयारी करिए, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक। अगर आपके पास एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज के नोट्स मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे, किरण या फिर आरवाईपी जो आपके पास किताब है उससे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस
करिए, वो बेहतर तरीका होता है बिल्कुल याद करने का। ठीक है, तो क्या करना है, जीएस के लिए आपको करंट अफेयर्स करना है ऑनलाइन सोर्स से, स्टैटिक जीके के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप सबसे ज्यादा स्टडी करिए। तो देखो, सबसे पहला आप टॉपिक देखो, साइंस के जितने भी पोर्शन हैं आपके, बायोलॉजी, दूसरा है आपका फिजिक्स, तीसरा है आपको केमिस्ट्री, इनसे जरूर करना है क्योंकि दो दो क्वेश्चन इससे आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको इंडियन पॉलिटी से जरूर सवाल करना है, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न और मेडिवल करना है, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आपको करना है क्योंकि इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है आपका। और इसके अलावा आपको ज्योग्राफी बस। अब अगर कोई कहेगा कि सर आपने सारे तो कवर कर लिए, लेकिन बेटा क्या करें, इतने से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि नहीं नहीं ये मत पढ़ना, इतने पोर्शन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर आप बात करो इंडियन इकोनॉमी की, तो आई कैन से दैट यू कैन लीव दैट पोर्शन, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से मुश्किल से एक या दो सवाल आता है, आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक, तो इतने पोर्शन को आपको जीएस को टैकल करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया। तो दिन में दूसरा काम आपका होना चाहिए जीएस पढ़ने का, एक से दो घंटा आप इसे दोगे तो ये मोर देन सफिशियंट होगा, और वीक में आप इसे आराम से तैयार कर सकते हो अगर आप इतना तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, अगली बात करें, आपका अगला काम क्या होना चाहिए। अगला काम देखिए, अगर आप लोग अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो अच्छी बात है, तो आप स्किप कर सकते हैं इस पोर्शन को, लेकिन अगर अभी तक भी नहीं पढ़ रहे थे तो बेटा पढ़ो, लेकिन इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग स्किल को बेहतर करना होगा, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होगा। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मैं इससे तो अपने वोकैबुलरी इससे सीखूंगा, तो बेटा अब वो समय नहीं बचा है जब आप अब वो समय नहीं बचा जब आप अपनी वोकैबुलरी को सीखेंगे न्यूज़पेपर से, नहीं, क्योंकि बहुत समय लगता है उसमें, 2 से 3 घंटा आपका जाएगा जो कि उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितने में आप कुछ और पढ़ लोगे। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर करने के लिए 30-40 मिनट्स मोर देन सफिशियंट होगा। इतना पढ़ो जिससे कि कम से कम पैराजंबल आप कर पाओ, आप आरसी कर पाओ, आप क्लोज टेस्ट कर पाओ, बस इतना करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, इसके अगली बात करते हैं हम, आपको क्या करना है। अगली बात आती है हमारी मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स कैसे तैयार करना है। तो देखो, मैथमेटिक्स में आपको दो पोर्शन में मैंने बांटा है, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स, दोनों पर आपको इनफ कमांड बनानी है। आपको टारगेट करना है कि डेली के कम से कम 150 क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के कर पाओ। और देखो, करना कहाँ से है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई किताब, जैसे आपने किरण लगाई हुई थी तो किरण से करो, आपने राकेश यादव करी थी राकेश यादव से करो, आपने इन दिनों के अलावा कोई किताब करी हुई थी आप वो किताब करो। करी थी का मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आज तैयारी करने शुरुआत करने के मूड में है, तो उससे मैं ये कहूँगा बेटा 2020 की तैयारी करो, सीजीएल 19 के लिए समय अब बहुत कम बचा है। ठीक है, तो किरण और राकेश यादव में से किसी एक किताब को आप टारगेट बनाओ, अगर आपने किया हुआ था तो उसी को खत्म करिए दोबारा से, अगर दोनों में से कोई खत्म नहीं करी थी तो कोई तीसरी किताब खत्म की होगी उसे कर लो, या फिर किरण राकेश यादव में से जो भी एक किताब पसंद है वो कर लो। क्योंकि जब आप पहली बार किताब करते हो तो आप क्या करना चाहिए, जो किताब जो सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहे थे उन्हें आप सर्कल कर लेते हो और उन्हीं सवालों को आप दोबारा कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी टीचर ने आपको पीडीएफ दे रखी थी, या फिर आपने उस पीडीएफ से पढ़ाई करी है, बहुत सारे आजकल कोर्सेज हैं पीडीएफ दी हुई हैं, या आपने कोई शीट्स लगाई हुई हैं, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, वो भी कर लो, आप उससे तैयार कर लो। कुल मिला के आप डेली टारगेट ये करो कि 150 सवाल आप रोज के रोज कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ 25 आने हैं, लेकिन टीयर 2 में और भी ज्यादा सवाल आने हैं, तो आपको ये काम करना है मैथ्स के लिए। इसके बाद अगर बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश में आपने ग्रामर के नोट्स बनाए होंगे रिवीजन, उनका रिवीजन करिए। अगर नहीं बनाए हैं तो नीतू सिंह से ग्रामर का पढ़िए, अगर आपने वहां से पढ़ना है तो वहां से पढ़ लीजिए, अगर मुझसे पढ़ना है तो आप मुझसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी प्लस का, AMANT, ये मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश, अगर आप MB पब्लिकेशन नहीं लगाई है तो MB पब्लिकेशन लगाइए, कम से कम डेली 2 से 3 सेट लगाइए। हाल फिलहाल में CPO के पेपर्स आए हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के कम से कम 2 से 3 सेट लगाइए। इतना काम आप इंग्लिश में रोज करिए। साथ ही साथ में अपनी वेबसाइट amantrivedi.com पर रोज मैं आपको रात में 9 से 10 बजे तक
के बीच में आपको असाइनमेंट देता हूं, तो उस असाइनमेंट को आप सॉल्व कर सकते हो. amantrivedi.com ये मेरी वेबसाइट है जिसे आप रोज एक्सेस कर सकते हो और फ्री में उस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो. वो फ्री असाइनमेंट में देता हूं. अगर आप उस असाइनमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया. वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो. वो फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री आपका असाइनमेंट है. ठीक है, इसके बाद अगली बात करें आपका रीजनिंग. तो रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज्यादातर लोग अच्छा कर रहे होते हैं. तो इसको आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट में टैकल कर लीजिए, मॉक टेस्ट से आपका ये अच्छा हो जाएगा. अब बात करते हैं मॉक्स की. देखिए मॉक्स के लिए क्या करना है, मैंने आपको स्टेप वाइज प्रोसेस बताया हुआ है, जिसे आप डे वन भी बना सकते हो. मान लीजिए स्टेप वन आपका क्या होना चाहिए, डे वन भी आपका यही होगा. सबसे पहला काम करिए, एक मॉक को अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर देखिए. ठीक, स्टेप टू या फिर जिसे आप डे टू कहते हैं, इस डे टू में क्या करिए, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए और देखिए कि आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं. पूरा एक कॉपी बनाइए जिसमें आप यहां पर लिखिए मैथ्स, फिर लिखिए इंग्लिश, फिर लिखिए जीएस, फिर लिखिए आप अपना रीजनिंग, और पूरा चैप्टर के नाम लिखते जाइए कि इस चैप्टर से एक सवाल गलत हुआ, इस चैप्टर से ये सवाल गलत हुआ. थोड़ा समय लगेगा इन सभी चीजों में, लेकिन इट विल बी वर्थ डूइंग इट. ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में पैरा जंबल से दो सवाल गलत हो रहे हैं, एरर गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जो भी चीजें गलत हो रही हैं उन्हें अच्छे से लिखते जाइए. इस तरीके से आप स्टेप टू पर आ जाएंगे. फिर स्टेप थ्री से क्या करना है, आपने उन एरियाज, जो इन एरियाज को आपने फाइंड आउट किया है, जिन एरियाज पर आपने आपको आपने उनको चूज किया है, उन पर काम करिए. ठीक है, काम कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क का सवाल गलत हो रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के सवाल किरण से या राकेश यादव से, जो भी आपका सोर्स है, उस सोर्स से आप उन्हें लगाइए दोबारा से और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए. उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, आपको फिर इस बार कुछ नए एरिया मिलेंगे. हो सकता है पिछली बार टाइम एंड वर्क में दिक्कत आई थी, इस बार अलजेब्रा में दिक्कत आ गई, तो ये चीजें आपकी होती रहेंगी. फिर आपको स्टेप फोर पे आना है, जिसे डे थ्री फोर भी कह सकते हैं. आपको क्या करना है, स्टेप अगेन गो टू स्टेप वन, यानी कि फिर से आपको वापस इसी स्टेप पे आ जाना है. यानी कि आपको फिर से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है, उस एरिया पे काम करना है, मॉक टेस्ट को फिर से अटेम्प्ट करना है. इसी तरीके से आप इस साइकिल को पूरी तरीके से, जैसे आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है कि आप अगर आपको मिलता है स्टेप फोर, तो स्टेप फोर के बाद आप स्टेप वन पे वापस आ जाइए. तो ये चीज आपकी लगातार चलती रहेगी साइकिल, आपको स्टेप वन से स्टेप फोर तक लगातार आपकी साइकिल चलती जा रहनी चाहिए. और इन एरियाज पे आपको मन लगा के काम करना होगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होगा आपको सिलेक्शन दिलाने का. आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कौशिक राज का इंटरव्यू देखा था, मैंने आपको कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में लिया था, मैंने उनसे बात करी. और अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में कौशिक राज का इंटरव्यू जाकर देखिएगा मेरे साथ में. उन्होंने भी यही किया है, मॉक टेस्ट को सबसे ज्यादा दिया है. वो डेली मॉक टेस्ट देते थे और अपनी एरियाज को इंप्रूव करते थे, क्योंकि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही आता है. प्रीवियस ईयर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है पेपर. तो इन सभी एरियाज को आपको जरूर काम करना है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं किताबें कौन कौन सी फॉलो करनी है. तो जैसे मैंने बताई, मैथ्स के लिए आपकी किरण या फिर आरवाईपी में से जो किताब आपने फॉलो करी है वो करिए. आपके पास अगर किसी टीचर की कुछ शीट्स हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिए. इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी नीतू सिंह में से जो तुमने अभी तक फॉलो की है, आप उसी को कंटिन्यू करो. इसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है तो आप उसको करो. एमबी पब्लिकेशन उससे करिए, लूसेंट करिए, एमसीक्यूज की कोई किताब बुक की करिए और नोट्स करिए. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको. तो इस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है. अब अगर बात करें कि किस दिन हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट प्रिपेयर्ड लाइक दिस. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरीके से तैयार नहीं होते कि हम मंडे को ये पढ़ लें, इतने बजे वो पढ़ लें, ऐसे नहीं तैयार होता है. आप अपनी तैयारी अपने मन से करो, ये नहीं कि कोई कह थोड़ी रहा है तुमसे कि ये एग्जाम क्लियर कर लो. आप अपने लिए कर रहे हो ना, नौकरी लगेगी तो अपने लिए कर रहे हो, इसलिए थोड़ी कर रहे हो कि पापा को खुश कर देना है. मान लीजिए सिलेक्शन से आपके पापा खुश हो भी जाएंगे, लेकिन आई थिंक एक इंटरनल मोटिवेशन भी होना चाहिए ना, कि हम ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. अगर ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो बड़े एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप ये डिफाइन करो कि किस दिन तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितने बजे पढ़ोगे. स्टडी शेड्यूल बनाओ. स्टडी देखो, आपने देखा होगा, एक पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि जब गर्मियों में तार बांधे जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बांधे जाते हैं. कभी भी तार आपके ऐसे नहीं बांधे जाते, क्योंकि जब सर्दियां पड़ेंगी तो वो अकड़ेंगे और टूट जाएंगे. इसलिए ये आपको बीच में उसमें आपको स्ट्रेन नहीं दिया जाता. उसी तरीके से जब आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाओ, तो ऐसा मत बनाओ कि स्ट्रेन दे दो.
ऐसा बनाओ कि थोड़ा बहुत फॉलो हो जाए, एटलीस्ट 70-80% फॉलो हो जाए, 60-70% ही फॉलो हो जाए। ऐसा मत बनाओ कि पता चल रहा है मैंने बना लिया एकदम टाइट शेड्यूल और उसमें मोबाइल के लिए कोई जगह नहीं रखी और फिर मैं बाद में पूरा पछता रहा हूँ बैठ के। ऐसा मत बनाओ। और डू नॉट रिग्रेट, बहुत ज्यादा रिग्रेट भी मत करो, बस अपने ऊपर काम करने पर भरोसा करो रखो। मोटिवेट योरसेल्फ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। कोई तुम्हारे लिए मोटिवेट तुम्हें नहीं करने वाला, सब कोई तुम्हारा, आपको बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सेलेक्टेड देखना चाहते हैं बेटा। तो अपने आप में खुद मोटिवेटेड रहो, कम से कम लोगों से बात करो, खुद में ही खोए रहो और खुद से ही बातें करो, ठीक। डोंट बी दैट मच डिपेंडेंट ऑन समबडी, पीपल विल यूज यू, डोंट लेट एनी वन यूज योर सेल्फ। कहने का मतलब है आप किसी से ये मत आशा रखो जैसे कि फलाना टीचर बना देगा या फलाना इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसा कर देगा। आप अपना काम खुद करो, ठीक है, क्योंकि लोग आपका काम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो उसके बदले में कुछ चाहेंगे, ठीक है। तो आपका इस्तेमाल होगा, वो चीजें अच्छी नहीं होंगी, बाद में फिर आप रिग्रेट करेंगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई सभी को? अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा जिसमें आप लोगों के सिर्फ सवालों का डिस्कशन करूंगा। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो उन सवालों को कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मेरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा सवालों का मैं कमेंट में जवाब दे पाऊं। अब अगर आपका फिर भी कोई जवाब सवाल रहता है तो aman.ssc@mentor.com पे भी मेल कर सकते हो, ठीक। कुछ बात मैं आपको एक और एक छोटी सी बात बताता हूँ, प्रो टिप्स। जैसे कि देखो एक सिंपल सी बात यह है कि जैसे ये विराट कोहली है, दिस इज द पिक्चर ऑफ विराट कोहली, ठीक है, और ये टेस्ट मैच प्लेयर की बात हो रही है, ठीक। जब ये फर्स्ट टेस्ट खेल रहे थे तो इस तरीके की बॉल पे ये आउट हुए थे, और जब अभी हाल फिलहाल में टेस्ट हुआ था उसमें इसी बॉल पे इन्होंने इसको अच्छे से डक किया या प्लेस किया। तो आप इसे देखो कि क्या है, इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। पहले इनका ये पैर देखिए कितना आगे आता था, अभी वो पैर उतना आगे नहीं आ रहा है। तो क्या है, कहने का मतलब मेरा क्या है, भावनाओं को मेरा समझो। कहने का मतलब है अब इनका बैट देखिए किधर जा रहा है, पहले बैट किधर जा रहा था, हैंड्स का मूवमेंट देखिए, अब देखिए। ये क्या है, उन्होंने अपनी गलतियों को देखा और उस पर काम किया, यही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप अपने एरियाज पे को देखो और उन पर काम करो, क्योंकि यार स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बहुत आसान नहीं होती, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद उस मुकाम तक पहुंचते हैं। आप वो लाइमलाइट देखते हो लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी देखो, ठीक है। तो अगर विराट कोहली इतनी मेहनत कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने उस लेवल पे तो जाना भी नहीं है, वो तो पूरे ऑल इंडिया में नंबर वन क्रिकेट प्लेयर, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन क्रिकेट प्लेयर बन रहे हैं। आपको इतना थोड़ी करना है, आपको तो सिर्फ एक ऐसा एग्जाम निकालना है जिसके लिए 10,000 वैकेंसी आती है, तो उसमें से आपको एक बनना है। तो 10,000 में एक बनना है, 25 लाख में भी, उसमें भी मतलब 25 लाख सारे अच्छे एस्पायरेंट थोड़ी होते हैं, मुश्किल से 2 लाख अच्छे एस्पायरेंट होते हैं। 2 लाख में से आपको एक 10,000 में से आना है, तो कौन सा बड़ा बहुत मेहनत वाला काम है। बस अच्छे से काम करो, अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद पर भरोसा रखो, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं, अगर आप ये 50 दिन में अपनी ड्रीम जॉब पा लेते हो तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। कोई भी तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आएगा, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और खुद ही एग्जाम क्लियर करने का जिम्मा उठाइए, ठीक। अपने आप को इमेजिन करिए उस जगह पर जहां पर आप उस एग्जाम को क्लियर करके आप सोचते हो कि आपकी ये पोस्ट होगी, उसके बाद सोचो कि लाइफ की थोड़ी सी आसान हो सकती है। मैं नहीं कहता हूँ बहुत चीजें बदल जाती है, लेकिन हाँ फिर भी आपकी लाइफ कुछ आसान हो सकती है, जितनी जैसी लाइफ अभी है उससे बेहतर हो सकती है। आपको किस खुद डिपेंडेंट हो सकते हो और आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, ठीक है। दिस इज़ फॉर गर्ल्स एज वेल, क्योंकि गर्ल्स की लाइफ में बहुत इंटरफेयर होता है। आपके डिसीजंस अभी आपके पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन वंस यू बिकम समथिंग, आप एक बार इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपने डिसीजन अपने आप से खुद ले सकते हो, कोई भी अपने दूसरे को डिसीजन आप पर नहीं थोप सकता है। तो अगर खुद कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, तो इस एग्जाम को क्लियर करो, क्योंकि इस एग्जाम से आपको एक अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट मिल जाती है, जिसके बाद आप अपनी लाइफ कुछ आसान बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं वर्किंग एस्पायरेंट्स के बारे में। तो देखिए वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा, दिन की शुरुआत के लिए मैंने बताया वो कैप करो, वो काम आप भी करिए, न्यूज़पेपर करो वो काम आप भी करिए, जीएस करो वो काम आप भी करिए। आफ्टर ऑफिस क्या करिए आप, आफ्टर ऑफिस में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो वो आप अपना देख लीजिए। आफ्टर ऑफिस देखिए सिर्फ आप मैथ्स लगाइए, आप इंग्लिश मत करिएगा। हाँ लेकिन सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ रहता है या नहीं रहता, सैटरडे संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सॉल्व करना है, ठीक है। तो सैटरडे संडे इंग्लिश एंड मॉक्स दीजिए, बाकी दिन आप मैथ्स कीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाओगे तो दिन में आप ऑफिस से पहले वो कैब न्यूज़ और न्यूज़पेपर ऑफिस में कर लो, वो कैब और जीएस सुबह उठ के कर लीजिए, ऑफिस से आकर आप सिर्फ मैथ्स करिए और सैटरडे संडे को आप इंग्लिश प्लस मॉक टेस्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अगर अपना प्लान करेंगे तो बेहतर तरीके से तैयारी आपकी कुछ हो सकेगी, आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे खुद को। तो वर्किंग एस्पायरेंट्स की भी बात हो गई,
इसके अलावा अगर आप अगर मुझे अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो aman.ssementor@gmail.com मेरा मेल आईडी है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर @amantrivedi अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं डेली असाइनमेंट देता हूं www.amantrivedi.com। ये मेरा वेबसाइट है जहां से आप डेली असाइनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए, AMANT, ये मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप प्लस के बारे में चाहते हैं तो 8299117042 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जहां पर मैं अधिक जानकारी दे दूंगा। तो यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।